गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। वी आर हेयर एट डे 35th ऑफ आर सेल्फ स्टडी प्लान। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। आइए देखते हैं क्या है वो, क्या आज के आपके टारगेट्स हैं। बट उससे पहले ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि अगर आप एनरोल होना चाहते हैं हमारे GS बैच में तो आप हो सकते हैं 2020 के लिए, जिसमें मेन्स की आंसर राइटिंग है, फिल्म्स की टेस्ट सीरीज़ है और इसकी कीमत मात्र 17,999 है। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर प्रीलिम्स के लिए आपको देखना है तो वो भी है, विद एंड विदाउट वैलिड सॉल्यूशंस। पूरे 31 टेस्ट हैं इसमें, डिटेल्स आपके सामने यहाँ मेंशन है। अगर आपकी और कोई क्वेरीज हो तो आप स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के कोट के साथ। सम गर्ल्स आर सो वर्दी, इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। अरे कहा था हमारे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने, जिनके बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें परमवीर चक्र मिला था 1999 के कारगिल युद्ध में, जब उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था इस देश के लिए। तो अगर समझें इस कोट को तो यही मतलब हुआ कि कुछ गोल इतने खास होते हैं कि अगर उनमें फेल भी हो जाएं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा है वो भी। कि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको सेटबैक मिलता है तो कोई नहीं, आपने एक नॉलेज गेन किया, आपका एक पर्सनैलिटी चेंज हुआ, एज अ पर्सन आप चेंज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप गेन करते ही हैं। तो आज के जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे मेन टॉपिक जो है आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये आपके सब टॉपिक्स हैं, ये सब आपके टारगेट्स हैं आज के, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है आज। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अगर हम समझें थोड़ा क्या है, लेफ्ट विंग मतलब कि जो चेंजेस लाना चाहते हैं या रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, बट उनके जो मेथड्स हैं वो थोड़े एक्सट्रीम हैं, इसलिए उसको एक्सट्रीमिज्म के अंदर आ गया। ठीक है, तो अगर आपके बाकी जो आपके सामने सब टॉपिक्स हैं इनको जल्दी थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या क्या है ये। जैसे नक्सलवाड़ी मूवमेंट है, ये शुरू हुई थी 1967 में, इसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है, कहाँ से शुरू हुई, क्या रीज़न थे वहाँ पे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। मोस्टली वायलेंट ही हैं ये, तो ये बंदूकों से ही बात करते हैं। उसके बाद देखते हैं एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो बेसिकली ये तीन स्टेजेस थे, एक 1967 से शुरू हो गया था 75 तक, क्यों तब तक था तो उसका रीज़न ये है कि तब इमरजेंसी लग गई थी तो काफ़ी रोक हो गई थी, परंतु जब 75 के बाद दोबारा आए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से वापस इन्होंने कमबैक किया उस टाइम। और 2004 तक हम उस फेज को समझ सकते हैं जब काफ़ी ज़्यादा इनकी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी उस एरियाज़ में, अफेक्टेड एरियाज़ में। उसके बाद 2004 से लेकर आगे तक हम कह सकते हैं थर्ड फेज था। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ी, कैसे इनका विकास हुआ, कैसे कैसे इन लोगों ने अपने तरीके बढ़ाए, कैसे कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंची ये आइडियोलॉजीज़। उसके बाद बात कर रहे हैं हाउ डू दे ऑपरेट, क्या इनका तरीका है ऑपरेट करने का, तो कहाँ से इनकी फंडिंग आती है। तो बेसिकली ये तो एक्सटॉर्शन पे ही काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो माइनिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ से पैसा लेते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं, तभी अपने आर्म्स और एम्यूनेशन पूरे कर पाते हैं। फिर कॉजेज़ फॉर स्प्रेड के बारे में अगर हम बात करें, कैसे क्या रीज़न रहा होगा कि ये फैलता ही गया, वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, फिर 10 से 11 स्टेट्स को इसने कवर कर लिया। तो कॉजेज़ बेसिकली यही थे कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, पावर्टी थी, सरकार का ध्यान नहीं था, इंडस्ट्रीज ढंग से सेटअप नहीं हो पाई, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका एट्रोसिटीज़ बाय नक्सलाइट्स, तो इसमें काफ़ी एक अच्छा था कि ये जन अदालत्स लगाते थे जहाँ पे ये खुद ही फैसला सुना देते थे, उनको कंगारू कोर्ट्स भी कहा जाता है। इसके बारे में आप पढ़िए, देखिए क्या है। और उसके बाद सरकार ने क्या क्या किया टू मैनेज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ये सब आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, किस तरीके से इन लोगों ने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई, जैसे क्लियर होल्ड एंड डेवलप स्ट्रेटजी हो गया, या PMRDF हो गया, जैसे एक समाधान था, कोबरा, किस तरीके के ऑपरेशंस कंडक्ट किए वहाँ पे, ऑपरेशन ग्रीन हंट था एक। तो ये सब देखिए आप क्या क्या सरकार ने पॉलिसीज़ फॉलो की। सरकार ने सरेंडर पॉलिसीज़ भी रखी कि आप सरेंडर कीजिए आपको पैसा मिलेगा, मतलब काफ़ी तरीके अपनाए थे सरकार ने कि और क्या कर सकती है अभी भी सरकार। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन इस तरीके का ही बनता है कि व्हाट मोर कैन बी डन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आज के आपके टारगेट्स हैं, इनको पढ़िए अच्छे से। एक लेक्चर भी है हमारे चैनल पर, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में। और जो आपके सोर्सेज हैं तो मैं बता ही चुका हूँ,
फिर हम बात करते हैं, अगर आपको बुक से पढ़ना है तो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार, काफ़ी अच्छी बुक है ये, आप इसमें से भी देख सकते हैं। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक एनुअल रिपोर्ट आती है, उसमें एक सेक्शन होता है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है वो, उसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे एक सेक्शन है, 3 से 4 पन्ने का है, काफ़ी अच्छा जिस्ट है, आप उसके नोट्स बनाइए अच्छे से। और अगर आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अलावा भी पढ़ना है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, तो IDSA की वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स और राइटअप्स आते हैं उसके ऊपर, आप फॉलो कीजिए। और करंट अफेयर्स तो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि वो ब्रह्मास्त्र तो है ही UPSC का, उनको तो फॉलो करते ही रहिए, जो जो आपको रेलिवेंट लगता है उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स ही हैं दोस्तों जो लास्ट तक काम आते हैं, एक जिस्ट बनता है आपके पास, रिविजन करने के लिए ईजी रहता है। तो आज का जो हमारा फाइनल एक्ट है वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स द एरिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हैव श्रंक बाय मोर देन 40% इन द लास्ट 3 ईयर्स, काफ़ी अच्छी बात है ये। तो विच मेजर्स हैव बिन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव द सेम, इलाबोरेट। 15 नंबर क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में इसको अटैम्प्ट कीजिए, हमारे डिस्कशन पोर्टल में इसको शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ अपने आंसर्स, देखिए बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ के लिए, तो वैसे ही तैयारी करती रहिए, अपने टारगेट्स को पूरा कीजिए, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।